ऑलराइट, तो बारबेक्यू नेशन से वो जो बॉक्स है वो लेने के लिए मुझे पार्क स्ट्रीट आना पड़ा। तो मैं पार्क स्ट्रीट, ये जो पैराडाइज बिरयानी है ना, ठीक उसके सामने मैं खड़ा हूँ। तो अंदर बैठ के मैं यूबीक्यू बारबेक्यू नेशन से वो जो बॉक्स है बारबेक्यू नेशन का, उसको मैं ऑर्डर दूंगा। तो देखो कब तक आता है, अंदर जाता हूँ ऑर्डर करता हूँ, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को एक कमाल के ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि मुझे क्रिकेट खेलना कितना पसंद है, और मैंने हाल ही में खेलना शुरू किया है माई 11 सर्कल। इस ऐप की खासियत यह है कि आप चैंपियन जैसे सौरव गांगुली, वॉटसन और रसीद के साथ भी आप खेल सकते हो। फैंटेसी क्रिकेट खेलना बहुत आसान है, बस दोनों प्लेइंग टीम में से अपने पसंद के 11 प्लेयर्स को पिक कीजिए और बना लीजिए अपनी खुद की टीम। क्रिकेट अभी वापस आ रहा है काफी दिनों के बाद। अभी माई 11 सर्कल में चल रहा है इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड। आप भी बीट कर सकते हैं एक्सपर्ट रसीद खान को और जीत सकते हैं डबल कैश। आपकी जीती हुई राशि डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट में पूरी तरह से सिक्योरली। इन लोगों ने यहाँ बहुत बड़े प्राइजेस जीते हैं, ट्रस्ट मी आप भी इधर जीत सकते हैं बड़ी प्राइजेस अपनी टीम बना के। आपके पहले डिपॉजिट में आपको 1500 रुपए बोनस भी मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई 11 सर्कल का लिंक दे रखा है, जाओ डाउनलोड करो और इंजॉय करो। ऑलराइट, तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ बारबेक्यू नेशन का एक स्पेशल बॉक्स। और मैं बता दूं ये जो बॉक्स है इसमें है क्या, जो कि आप बारबेक्यू नेशन जाते हो ना और वहां पे जो स्टार्टर्स, मेन कोर्स, डिजर्ट वगैरह जो खाते हो, वो सब कुछ ही मिलाकर उस बॉक्स में भरा पड़ा है। तो उसमें क्या क्या है मैंने भी अभी तक नहीं देखा है। मैं उस बॉक्स को ऑर्डर करूंगा, अनबॉक्स करूंगा, तब मैं आप लोग को भी दिखाऊंगा कि उस बॉक्स में क्या क्या है और वो वर्थ है या नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी कमाल का होने वाला है ये वीडियो। तो चलो इस वीडियो को कंटिन्यू पैराडाइज जाके ही करते हैं। जिस बॉक्स की मैं बात कर रहा था वो ये वाला बॉक्स है। आप देखे होंगे अगर आप बारबेक्यू नेशन को इंस्टाग्राम में फॉलो करते होगे तो। मुझे इसी का रिव्यू करना है, तो मैं इसी बॉक्स को मैंने अभी ऑर्डर किया है, और इसको मैंने ऑर्डर किया है जोमेटो से। मेरे एरिया में बारबेक्यू नेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे पार्क स्ट्रीट आना पड़ा इसको ऑर्डर करने के लिए। फिलहाल मैंने ऑर्डर तो कर दिया है, अब देखो उसको आने में कितना टाइम लगता है। जितना भी टाइम लगेगा वो तो मैं दिखाऊंगा ही आपको। तो इस बॉक्स के बारे में मुझे परसों पता चला, किसी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करा था कि ये जो बॉक्स है एक बार इसको आप ट्राई करो, और बहुत कुछ है इसमें, एपेटाइजर, करीज, बिरयानी, डेजर्ट, सैलेड, बहुत कुछ होने वाला है इसमें। दो ऑप्शन है, वेज या नॉन वेज का दो ऑप्शन इनके पास। टोटल 850 रुपए लगा है इसमें, बहुत ही एक्सपेंसिव है। मतलब कितना अजीब है ना, पैराडाइज में बैठकर बारबेक्यू नेशन से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। खैर कोई नहीं, 35 मिनट दिखा रहा है इसको पहुंचने में। यहाँ से मैं रिसीव करूंगा, फिर उसको घर लेके जाऊंगा, फिर खाऊंगा मैं। हेलो, रेस्टोरेंट के बाहर है, ठीक है मैं आता हूँ। ऑलराइट, तो ये बॉक्स मैंने रिसीव कर लिया है, यहाँ तो इसको खोलूंगा नहीं। वैसे ही जो बॉक्स है काफी हेवी है, पता नहीं क्या क्या है अंदर। चलो इस वीडियो को घर जाके कंटिन्यू करता हूँ। तो ये लेकर आ गया मैं बारबेक्यू नेशन का स्पेशल बॉक्स। खैर अब इसको मैं जल्दी से खोल के दिखाता हूँ। पैकिंग तो एक नंबर है। ओ भाई साहब, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक मेयोनीज दिख रहा है और ये कुछ हरी चटनी टाइप है, और पैकिंग देखो कितना अच्छा है, नीचे भी टेप लगाया हुआ है ताकि ये अपने जगह पे बना रहे, ज़्यादा हिले डुले ना। ये देखो इसके अंदर क्या है, ये अंगूरी गुलाब जामुन, ये तीनों ही डेजर्ट है, वो मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या है डेजर्ट में। ये तो ब्राउनी लग रहा है मुझे। खैर इन तीनों को अभी साइड करते हैं। सबसे पहले इस लेयर को हटाता हूँ मैं, और ये देखो अंदर पूरा खाना भरा पड़ा है। अच्छा ये एक टिश्यू, इसके अंदर वही स्पून वगैरह है। स्टार्टिंग इस पैकेट से करता हूँ मैं। इसके अंदर है लच्छा पराठा, जैसा कि तीन ऑप्शन था आपके पास, नान, तंदूरी रोटी, लच्छा पराठा का। मैंने शायद लच्छा पराठा ही चूज करा था, तो ये लच्छा पराठा ही है। मैं दिखाऊंगा इसको खोलकर। अब देखता हूँ इस बॉक्स में क्या है। वाह, बाद में बताऊंगा ये क्या है, देखकर तो काफी अच्छा लग रहा है। और क्या है इस बॉक्स में, तो ये रायता है। वैसे यार एक चीज मैंने नोटिस करा, पैकिंग देखो कितना अच्छा है, इसके अंदर रायता था और पता नहीं मैं कहां से कहां तक लेके आया और कुछ भी नहीं गिरा हुआ है। देखो वाह,
टोटल 15 आइटम्स है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो दो दो आइटम कर करके है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट 18-19 आइटम होगा। तो अब मैं बता देता हूँ कि इन लोगों ने दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले ये लच्छा पराठा, केसर फिरनी, ब्राउनी, अंगूरी गुलाब जामुन, मेयोनीज और ये ग्रीन चटनी, प्रॉन्स, फिश फिंगर, ये कुछ पोटेटो रोल है, वेज सामी कबाब, तंदूरी चिकन टिक्का, ये क्रिस्पी स्पाइसी विंग्स, सैलेड, बिरयानी। तो ये सारे टोटल आइटम्स आए हुए हैं। मुझे लगता है ये दो लोगों के लिए एनफ है। तो यहाँ पे देखो एक आइटम लिखा हुआ है फिश करी, तो मुझे यहाँ फिश करी नहीं दिखा, मे बी मेरा एक आइटम मिसिंग है शायद। ये मैंने स्टार्टर्स आइटम सब ले लिया है, तो सबसे पहले इसको टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मेन कोर्स को टेस्ट करूंगा, फिर डेजर्ट को भी टेस्ट करके बताऊंगा। स्टार्टिंग इस फिश फिंगर से करते हैं ग्रीन चटनी के साथ। खाना ठंडा हो गया है फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं तो ये जो है ऊपर से काफी क्रिस्पी होता है और अंदर से काफी सॉफ्ट। सॉफ्ट तो अंदर से बहुत काफी है, टेस्ट भी इसका काफी अच्छा लग रहा है। अब देखता हूँ ये प्रॉन कैसा है। काफी अच्छा, इसमें से एक स्मोकी और गार्लिक फ्लेवर आ रहा है, ये भी बहुत ही फ्रेश है। अब देखता हूँ ये तंदूरी चिकन टिक्का हरी चटनी के साथ। घर बैठे बारबेक्यू नेशन का मजा मिलेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये क्या पोटैटो रोल क्या था पता नहीं, इसको मेयोनीज के साथ खाता हूँ। इसका टेस्ट मैं बोलूंगा ओके ओके सा है, मतलब ठीक ठाक सा है। ये वेज सामी कबाब ग्रीन चटनी के साथ। ये सामी कबाब मुझे नहीं अच्छा लगा, मतलब उससे अच्छा ये पोटैटो रोल है, अजीब सा टेस्ट कर रहा है। तो इनका स्टार्टर्स में नॉन वेज आइटम जितना भी था वो सब कुछ एक नंबर था। अब ये देखता हूँ विंग कैसा है, स्पाइसी विंग। ये जो चिकन विंग है थोड़ा क्रिस्पी रहता ना और भी अच्छा लगता। वैसे इसको काफी अच्छे तरीके से कुक किया गया है, मतलब देखो हड्डी अपने आप अलग हो गया। देखे ओवरऑल इनका स्टार्टर्स मुझे बहुत अच्छा लगा वेज आइटम को छोड़कर। तो अब मेन कोर्स में देखता हूँ इनका बिरयानी कैसा है। तो ये ले लिया है मैंने इनका चिकन दम बिरयानी और साथ ही रायता, देखता हूँ इनका बिरयानी कैसा है। बारबेक्यू नेशन में बहुत बार मैं गया हूँ और वहां जाके उनका बिरयानी भी मैंने ट्राई किया है, लेकिन सच बता रहा हूँ जो बिरयानी मुझे घर पे मिला है ना वैसा बिरयानी वो लोग वहां क्यों नहीं सर्व करते, मतलब मसाला वगैरह हर कुछ इसमें परफेक्ट है। देखता हूँ चिकन कैसा है, चिकन को भी काफी अच्छे तरीके से कुक किया गया है। सही है यार, मतलब घर पे इतना अच्छा बिरयानी, लेकिन जब भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तब तो वैसा बिरयानी नहीं मिलता है। ये बिरयानी और रायता का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन होने वाला है, एक ट्राई करके देखूं। तो अब मैं टेस्ट करता हूँ इनके लच्छा पराठा को, बटर चिकन, मटन रोगन जोश और इस दाल मखनी को। सबसे पहले देखता हूँ इनका बटर चिकन कैसा है। अभी एक छोटा सा पोपट हो गया है। एक्चुअली हुआ क्या कि जिसको मैं बटर चिकन समझ रहा था वो कासुंदी फिश टिक्का है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। इसके अंदर जो भी मच्छी है ना बहुत ही फ्रेश है और काफी सॉफ्ट भी है। अब देखता हूँ इनका दाल मखनी कैसा है। दाल मखनी काफी क्रीमी लग रहा है, वाह। तो अब देखता हूँ इनका मटन रोगन जोश। इसको मैं लच्छा पराठा के साथ टेस्ट नहीं करूंगा, इसमें काफी ऑयल है, पहले ऑयल निकालना पड़ेगा मुझे, बहुत ज्यादा ऑयल है इसमें। देखो वैसे तो ये काफी ऑयली है लेकिन है भी काफी टेस्टी। ओवरऑल मुझे ये मटन रोगन जोश काफी अच्छा लगा। तो स्टार्टर्स एंड मेन कोर्स को कर लिया है मैंने टेस्ट, अब टाइम है इस डेजर्ट को टेस्ट करने का, स्टार्टिंग इस ब्राउनी से। इनका जो ब्राउनी है मुंह में जाते ही एकदम घुल जा रहा है। अब देखता हूँ इनका केसरी फिरनी कैसा है। ओ भाई साहब कितना गाढ़ा है यार, मीठा वगैरह हर कुछ एकदम परफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही मीठा लग रहा है ये। एंड लास्टली देख लो ये अंगूरी गुलाब जामुन कैसा है, ये तो बॉस काफी मीठा होने वाला है। नहीं मीठा उतना भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा ही मीठा लग रहा है, लेकिन आज का ये जो अंगूरी गुलाब जामुन है मुझे ये थोड़ा हार्ड लगा। हो गया मेरा पेट फुल, अब इससे ज्यादा कुछ भी अंदर नहीं जाने वाला है।
होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और यहाँ तक देख लियोगे तो ऑब्वियसली ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि बारबेक्यू नेशन का ये बॉक्स मुझे रिजनेबल लगा या नहीं लगा, पहले मैं बता दूं, अगर आप घर में खाने वाले हो, जैसे कि आपको बारबेक्यू नेशन जाने का मन है लेकिन आप किसी रीजन के वजह से जा नहीं सकते, आप घर पे हो, तब मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये बॉक्स ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि इस बॉक्स को दो लोग काफी आराम से खा सकते हैं। अगर आप बाहर जा सकते हो, बारबेक्यू नेशन जा सकते हो, तो आप वहीं जाके खाओ, मैं यही बोलूंगा। लेकिन अगर घर पे हो, किसी रीजन से नहीं जा सकते, तब आप ये ऑर्डर कर सकते हो। आपका कमेंट में बताओ कि आपको ये बॉक्स कैसा लगा और रिजनेबल लगा या नहीं लगा। लेकिन यहाँ तक वीडियो देख लियोगे तो ऑब्वियसली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें बगैर मत जाना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।